अभिन्या और एक बार फिर से वेलकम है आपका आपके ही चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। और मैंने तो विंटर की तैयारियां शुरू कर दी हैं, आई होप आपने भी शुरू कर दी होंगी। तो कुछ न्यू प्लांट्स की मैंने शॉपिंग करी है, कुछ विंटर फ्लावर हैं, कुछ इंडोर प्लांट्स हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि उनके प्राइस भी क्या हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से प्लांट हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट दिखाना चाहती हूँ एरिका पाम का, जो रूट बाउंड हो चुका था उसकी मैंने रिपोर्टिंग करी थी। देखिए बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, पत्तियाँ बिल्कुल भी मुरझाई नहीं है इसकी। इसके साथ साथ मैंने पीस लिली को भी रिपोर्ट किया था, इसकी भी रूट्स को कट किया था। देखिए पत्तियों में कितनी शाइन आने लग गई है इसमें। तो मेरा दिखाने का केवल एक ही मकसद है कि अगर हम अच्छे तरीके से अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो वो बिल्कुल हेल्दी रहता है, उसमें कोई भी खराबी नहीं आती है। और इसके साथ साथ ये देखिए, जेरेनियम में जब मैंने पहले दिखाया था तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, अब स्टार्ट हो गई है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने कौन कौन से प्लांट की शॉपिंग करी है। तो सबसे पहले देखिए, अपराजिता को मैंने ये परचेज किया है। ये मुझे मिला है 50 से 60 रुपीज़ के बीच में। और इस प्लांट के बारे में तो सभी जानते होंगे कि बिल्कुल औषधीय गुणों से भरपूर है ये, और इसे बीज से लगाना भी बहुत आसान है। इसके सीड्स निकलते रहते हैं, इससे आप ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और इनके जो फूल हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, पूजा में भी चढ़ाए जाते हैं ये फूल। और एक मेडिसिनल प्लांट है तो ये हर घर में ज़रूर होना ही चाहिए। और इसके अलावा कुछ इंडोर प्लांट की मैंने शॉपिंग करी है। तो सबसे पहला प्लांट है देखिए जीजी प्लांट। पत्तियाँ देखिए कितनी खूबसूरत हैं, बिल्कुल ग्रीन और शाइनी है। और ये एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, तो इसे आप फुली इंडोर भी रख सकते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होता है। बस आप हफ्ते में इसे एक बार सेमी शेड में या बाहर ज़रूर रख दें, जिससे इस प्लांट का एरेशन अच्छे से हो और प्लांट भी हमारा ख़राब ना हो, क्योंकि कोई भी प्लांट फुली इंडोर नहीं होता है। और ये मुझे मिला है 250 रुपीज़ का। और दूसरा जो प्लांट मैंने परचेज किया है, ये देखिए, ये भी इंडोर प्लांट है, एलोकेशिया। और ये मुझे मिला है 250 रुपीज़ का। इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी खूबसूरत हैं, ये अभी बहुत छोटा सा प्लांट है ये, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी बड़ी होंगी, जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो मेरे यहाँ जो नीचे बरामदे में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, तो मुझे ऐसे ही प्लांट का चुनाव करना पड़ता है जो वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। और नेक्स्ट है ये अरेलिया, ये मुझे मिला है 150 का। ये आपको 150 से लेकर 300 तक का मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू प्लांट। ये छोटा है इस वजह से 150 का मिला है। ज़्यादातर मैं छोटे प्लांट ही लेती हूँ क्योंकि वो आसानी से बड़े हो जाते हैं, तो बड़े प्लांट लेने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और इसके अलावा मैंने एक और इंडोर प्लांट को परचेज किया है, ये है वो एग्लोनिमा। ये देखिए, इसे चाइनीज एवरग्रीन भी कहते हैं। और इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी खूबसूरत हैं, और बीच में पिंक लाइन आ रही है, तो ये मुझे फूलों की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देंगे और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट है। और ये भी मुझे मिला है 250 का। और इसके अलावा मैंने कुछ विंटर फ्लावर की शॉपिंग करी है, तो ये प्लांट मुझे वहाँ देखते ही पसंद आ गए थे, जरबेरा। और देखिए कितने हेल्दी प्लांट है। और जब मैं इसे लेकर आई थी इसमें केवल एक दो कलियाँ ही खिली हुई थी, अब देखिए इसमें ढेरों कलियाँ आई हुई हैं। बहुत ही हेल्दी प्लांट का चुनाव किया है मैंने, काफ़ी टाइम लगा सेलेक्ट करने में। और इसके बहुत ही प्यारे प्यारे कलर थे वहाँ, तो मैंने कम से कम इसके 4 से 5 प्लांट लिए हैं। और ये प्लांट मुझे 350 का मिला है। और नेक्स्ट वीडियो मेरा रिपोर्टिंग पे ही आने वाला है जरबेरा की। अगर आप जरबेरा को अच्छी तरीके से रिपोर्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। और ये एक ऐसा प्लांट है जो पूरे साल भर हमें फूल देता है, लेकिन गर्मियों में अगर आप इसे शेड में रखेंगे तभी ये प्लांट आपका सर्वाइव कर पाएगा। और ये देखिए जरबेरा का नेक्स्ट कलर बिल्कुल डार्क पिंक, देखिए देखने में कितना खूबसूरत है। और ये अभी तक खिला नहीं है, ये धीरे धीरे खिल रहे हैं। और ये भी मुझे 350 का ही मिला है। देखिए इसमें अभी भी कलियाँ बन रही हैं और प्लांट देखिए कितना हेल्दी है। और नेक्स्ट जो जरबेरा का प्लांट है वो है ऑरेंज कलर का। ये देखिए इसकी फोटो मैंने, इमेज मैंने कम्युनिटी में भी डाली थी जो आपने देखी होगी। और ये कलर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। और ये मुझे 250 का मिला है, क्योंकि ये छोटे पॉट में था लेकिन प्लांट बहुत घना था तो मैंने इसे परचेज कर लिया। और इसके अलावा एक और प्लांट को मैंने परचेज किया है, ये देखिए जरबेरा का रेड कलर वाला। और इसका जो साइज है फ्लावर का वो काफ़ी बड़ा है। और जरबेरा के और भी जो प्लांट मैंने पिछले साल लिए थे वो भी हैं मेरे पास, वो भी रेड कलर के ही थे, लेकिन उनका साइज जो है वो छोटा था।
और वो ये भी मुझे 350 का ही मिला है। और इसके अलावा मैंने कुछ सीड्स को परचेज किया है जो विंटर फ्लावर के हैं। ये अल्पाइन के सीड लिए हैं मैंने, लोकल नर्सरी स्टोर से या किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं। और इसका जो जर्मिनेशन रेट था वो 70% के आसपास था, तो काफ़ी ठीक था। तो इस वजह से मैंने बहुत सारे ये लिए हैं। गजानिया है इसमें, पॉपी है, कैलेंडुला है, डेजी है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी प्लांट की शॉपिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जरबेरा की रिपोर्टिंग पर डालने वाली हूँ, उसे आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं नर्सरी वालों से पूछकर आई थी कि आप किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं जिससे आपके प्लांट पर इतने ढेर सारे फूल आते हैं और इतनी ढेर सारी कलियाँ बनती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, तो वही मेथड मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। टेक केयर एंड बाय।